question, find a point on the y-axis which is equidistant from the points A and B. तो इस क्वेश्चन में हमें y-axis पे कोई पॉइंट है जो कि A और B से equidistant है, तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है, उसके कोऑर्डिनेट. मीन सपोज P 0, y बी एनी पॉइंट ऑन y-axis और ये इक्विडिस्टेंस है 5 पॉइंट ए और पॉइंट बी से, तो हम यहाँ पे लेट लेंगे. लेट पी 0, y बी एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 लिखा है क्योंकि वाई एक्सिस में ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कि ये इक्विडिस्टेंस है, तो पी ए इक्वल टू पी बी. और अब हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, तो ये होगा 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस वाई, और ये माइनस और माइनस 2, तो ये प्लस 2 होल स्क्वायर और रूट अंडर. और इधर वाले में यूज करेंगे तो ये आएगा 0 - -3, तो प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर. सो इम्प्लाइज दैट ये होगा 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई प्लस 4. इसमें हमने ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर दिया. और ये होगा 9 प्लस और ये वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई प्लस 4, और ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई प्लस 29 अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई प्लस 13. और अब हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई प्लस 29 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई प्लस 13. तो इसमें ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और इस माइनस 4 वाई को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये आएगा 4 वाई प्लस 4 वाई और 13 - 29. सो 8 वाई इक्वल टू 29 में 13 माइनस करने से ये आएगा 6 और 1 - 16. सो वाई इज इक्वल टू -16/8. सो 8 2 16 -2. हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0, -2 आंसर.